हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताने जा रहे हैं उत्तिलक व्यायाम के सूत्र के माध्यम से पांच अंकों की संख्याओं का गुणा हम कितने आसान तरीके से कर सकते हैं। तो अभी इससे पिछले वाले वीडियो हम पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर में वीडियो जो हम चार अंकों की संख्या, तीन अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या का हम उत्तिलक व्यायाम के सूत्र की सहायता से इसका हम बता चुके हैं। उत्तिलक सब सूत्रों का बाप है, इसमें ना कोई केस है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, सब सब में एक सी प्रोसेस है। आप हमने जब इंट्रोडक्शन दिया था तो उसमें हमने जो नोट फर्स्ट लिखा है, जब हम इसमें कोई अंकों की संख्या है, एक एक स्टेप होता है, जब अंत तक पहुंच जाते हैं तो एक एक स्टेप पीछे से छोड़ते चले जाते हैं। तो जब एक एक स्तंभ बढ़ाते हैं, जब अंत तक पहुँच जाते हैं तो एक एक स्तंभ पीछे से छोड़ते चले जाते हैं और उत्तिलक गुणा करते जाते हैं। सब में यही प्रोसेस है, नोट आपको याद रखेंगे तो मैं शॉर्ट में स्टेप लिख दिए हैं। अगर कोई पांच अंकों की संख्या है, पांच अंकों की संख्या आप इसमें देख रहे हैं फाइव डिजिट है, तो इसमें इसका दूना कितना होगा, दस, एक कम करेंगे नौ, मतलब जी नौ स्टेप में हल होगा। तो नौ स्टेप देख रहे हैं आप। उत्तिलक व्यायाम में इतनी सहूलियत है, जब चाहे आप दाएं से आंसर लिख सकते, चाहे बाएं से आंसर लिख सकते, बात ठीक। तो हम दाएं से देखेंगे, चाहे आप बाएं से भी कर सकते हो तो आंसर वही आएगा, ठीक, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हमने इससे पिछले बार जब पार्ट फोर में चार अंकों की संख्या का गुणा कराया तो उसमें समझाया, जे नोट फर्स्ट, इसे पांच अंकों की संख्या जो फर्स्ट कॉलम का उर्ध गुणा है, फर्स्ट सेकंड कॉलम का तृतीय गुणा है, फर्स्ट थर्ड का तृतीय गुणा, सेकंड का उर्ध गुणा है, फर्स्ट फोर्थ का तृतीय गुणा, सेकंड फोर्थ का तृतीय गुणा, तृतीय गुणा वाला तिरछा इस प्रकार से, जी तृतीय गुणा होता है, जी उर्ध गुणा होता है, ठीक। आप इधर देख रहे हैं फर्स्ट फिफ्थ का तृतीय गुणा, सेकंड और फोर्थ का तृतीय गुणा और थर्ड का उर्ध गुणा। फिर हम जब फिफ्थ कॉलम हो गए, हमने पांच अंकों की संख्या पांच अंक होंगे तो फिफ्थ कॉलम हो गए, फिफ्थ कॉलम हो गए तो पीछे वाले कॉलम छोड़ते चले जाएंगे, मतलब फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया, तो आप देख रहे हैं सेकंड फिफ्थ का तृतीय गुणा और थर्ड फोर्थ का तृतीय गुणा। अब सेकंड को छोड़ देंगे तो थर्ड फिफ्थ का तृतीय गुणा, फोर्थ का उर्ध गुणा, थर्ड को छोड़ देंगे तो फोर्थ फिफ्थ का तृतीय गुणा, फोर्थ को छोड़ देंगे तो फिफ्थ कॉलम का उर्ध गुणा। इस प्रकार हमने समझा। आपको अभी लग रहा होगा जी तो बहुत झंझट है, कोई झंझट वाली बात नहीं। आप एक एग्जाम्पल में हम आपको प्रोसेस बताएंगे, दूसरा एग्जाम्पल आप बहुत आसान तरीका से, हम कहें तो उसे आप हम कैसे अगर कहें तो सात आठ सेकंड के अंदर उसे हम हल कर सकते हैं, ज्यादा दस सेकंड के अंदर ही हल हो जाएगा, ठीक। हमने जैसे कोई संख्या ली, हम जैसे इधर हम कोई संख्या लगे एक दो तीन दो चार, लग लीजिए दो एक दो एक पाँच जीरो एक, हमने ये संख्या ले ली, तो प्रॉब्लम वाली बात हमें इसका गुणा करना। इसमें हम आप विद प्रोसेस के समझेंगे, ठीक। प्रोसेस क्या है, फर्स्ट कॉलम का उर्ध गुणा, तो चार एवं चार, ठीक। फिर आप फर्स्ट और सेकंड का तृतीय गुणा, चार गुणा जीरो में तो जीरो, दो का गुणा एक में तो कितना आएगा दो, तो प्रॉब्लम वाली बात इसका काम हो जाएगा। मतलब पीछे से शुरुआत तक पहुंचते हैं, जब शुरुआत में भैया पहुंच जाते हैं तो पीछे वालों को छोड़ते चले जाते हैं। अब हम थर्ड स्टेप था, फर्स्ट थर्ड का तृतीय गुणा, सेकंड का उर्ध गुणा, दो चार का गुणा पांच में करेंगे तो बीस, और तीन का गुणा एक में करेंगे तो तीन, दो का गुणा जीरो में करेंगे तो जीरो कितना आ जाएगा, बीस तीन तेईस, तो हम इधर कितना लिखते हैं तेईस। अब आप फोर्थ स्टेप में देख रहे क्या, फर्स्ट थर्ड का, फर्स्ट फोर्थ का तृतीय गुणा, सेकंड और थर्ड का तृतीय गुणा, चार का गुणा एक में करेंगे तो चार, दो का गुणा एक में करेंगे तो दो, दो का गुणा पांच में करेंगे तो दस, और तीन का गुणा जीरो में करेंगे तो जीरो, और जोड़ते तो कितना होता है, चार दो दस सोलह, कितना आ जाएगा सोलह, सोलह प्रॉब्लम वाली बात। अब आप स्टेप हो गया, ठीक, फोर्थ स्टेप हो गया, फिफ्थ स्टेप में चलेंगे। आप फिफ्थ स्टेप में क्या देख रहे हैं, आप फिफ्थ स्टेप में देख रहे हैं फर्स्ट और फिफ्थ का तृतीय गुणा, सेकंड फोर्थ का तृतीय गुणा और थर्ड का उर्ध गुणा, चार का गुणा दो में करेंगे तो आठ आ जाएगा, एक का गुणा एक में करेंगे एक आ जाएगा,
दो का गुणा जीरो में करेंगे जीरो आ जाएगा, दो का गुणा एक में करेंगे दो आ जाएगा, तीन का गुणा पांच में करेंगे तो 15 आ जाएगा। कितना आ रहा, 8 × 1 = 9, 9 × 2 = 11 और 11 × 15 = 26। तो इधर हम कितना लिख सकते हैं, 26 लिख सकते हैं। अब हमारे फिफ्थ कॉलम कवर हो गए, जब कवर हो जाते हैं तो पीछे से इस कॉलम का काम खत्म कर देंगे। ठीक, हम पीछे वाले कॉलम को छोड़ देंगे, जब अंत तक पहुंच जाते हैं तो पीछे वाला कॉलम छोड़ देते हैं। अब आप देख रहे सेकंड फिफ्थ का तृतीयक गुणा और थर्ड फोर्थ का तृतीयक गुणा, दो का गुणा दो में करेंगे तो 4 होता है, एक का गुणा जीरो में करेंगे 0 होता है, तीन का गुणा एक में करेंगे 3 होता है, दो का गुणा पाँच में करेंगे तो 10 होता है। आप जोड़ लीजिए 4 × 3 = 10 कितना होता है, 17, हमने 17 लिख दिए। अब हमारा सेकंड कॉलम को हम छोड़ देंगे, तो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, थर्ड फिफ्थ का तृतीयक गुणा फोर्थ का उर्ध गुणा, तीन का गुणा दो में करेंगे 6 होता है, एक का गुणा पाँच में करेंगे 5 होता है, दो का गुणा एक में करेंगे तो 2 होता है। जोड़ दो 6 × 5 = 11, 11 × 2 = 13। अब आप थर्ड को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा हमारा, फोर्थ फिफ्थ का तृतीयक गुणा 2 × 4, 1 × 1 में तो 4 कितना होता है, 5 किया। हम फोर्थ को छोड़ देंगे फिफ्थ का उर्ध गुणा 2 × 1 में किया तो 2। हमने जब इंट्रोडक्शन में उर्तियक धाम में आपको ये बताया था कि जब प्रत्येक स्टेप में 1 digit रहना है, जो अतिरिक्त डिजिट है वो अगले वाले में ऐड हो जाएंगे, तो कितना आएगा, 4 2 8, ये कैरी में चला जाएगा 2 तो कितना बचेगा, 3, कितना हो जाएगा 18 18 × 1 कैरी 1 आएगी इसमें हो जाएगा 27, कैरी 2 आएगी तो कितना आ जाएगा, 19, कैरी इसमें जाएगी तो 14, अब इसकी कैरी इसमें जाएगी 6, आंसर कितना आ जाएगा, 26 49 78 324। इस प्रकार हमने उर्ध तृतीयक धाम की सहायता से 5 अंकों हमने बेस आपको प्रोसेस के समझाया। अगला एग्जाम्पल हम आपको डाइव करेंगे, आप भी उसे समझिएगा। आप इन स्टेपों को, इस नोट को केवल माइंड में सेट कीजिएगा, आपको उर्ध तृतीयक धाम के चाहे 5 अंक के गुणा हो, 4 अंक के हो, 6 अंक हो, या जितने आपको बन सकते हैं बहुत आसान तरीका से। हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। हमने लिखा लगा 5 1 2 0 3, हम मल्टीपल करने जा रहे हैं 1 3 4 2 1, हम इसका गुणा करने जा रहे हैं। तो आप हमें क्या करना था, आप बस दिमाग में सेटअप कीजिएगा, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। इसका हमने गुणा किया 3 आएगा, इसमें गुणा किया तो 6 आएगा, अब इसका सम किया 12 12 2 14 14 3 4, हाँ से लगी 1, अब इसका करेंगे 3 3 1 10 10 और 10 10 4 14 15 3 5, हाँ से लगी 1, अब इसका कट करेंगे 3 × 3 5 3 8 8 8 8 2 10 और 10 18 18 1 19 19 3 9, हाँ से लगी 1 0 10 16 20 21, हाँ से लगी 2, अब इतना बचेगा 2 20 22 22 3 25 27 3 7, हाँ से लगेंगे 2, इसको छोड़ देंगे 1 15 16 16 2 18 3 8, हाँ से लगी 1, अब आगे इसको करेंगे 5 1 6, आंसर कितना आ गया, 68 71 95 463। हमने अभी किया आपके सामने, आप 10 सेकंड के अंदर गुणा कर सकते हैं, आपकी बस स्पीड दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, नोट हमारा। तो हम आपसे मिलते रहेंगे वैद्यगणित फेस की कई नई नई ट्रिकों के साथ। तो यदि आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं अभी एक में एक वैद्यगणित की जितने 16 सूत्र होते हैं और 13 उपसूत्र होते हैं, तो हम आप उन सबका अध्ययन करेंगे।